नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर काम करने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। आज से होगा काम। छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इस बात की जानकारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सिंह ने दी। राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा सके, इसके लिए राज्य में 10 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि हितग्राहियों के राशन कार्ड को आधार कार्ड से तेजी के साथ जोड़ा जा सके। खाद्य मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड के आधार से जुड़ने पर हितग्राहियों को खाद्यान्न की दुकानों से राशन उठाने पर SMS से सूचना मिलेगी, साथ ही राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी। उन्होंने कहा कि राशन दुकानों की प्रणाली को पारदर्शी बनाया जा सके, इसके लिए जल्द ही CCTV भी लगवाए जाएंगे। TS सिंहदेव ने कहा, मरवाही उपचुनाव को हल्के में लेना गलत। मरवाही उपचुनाव को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा है कि मरवाही अजीत जोगी और उनके परिवार का गढ़ रहा है, लिहाजा यह संघर्ष रहेगा, लेकिन जीत कांग्रेस प्रत्याशी की ही होगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्याशी का चयन को लेकर लगातार मंथन जारी है और जैसे ही नाम तय होंगे इसकी घोषणा की जाएगी। दिल्ली से लौटे मोहन मरकाम, संसदीय सचिव निगम मंडल बोर्ड में नियुक्ति का ऐलान जल्द। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली से वापस राजधानी लौट चुके हैं। दिल्ली में PCC प्रभारी PL पुनिया से भी मुलाकात कर मरकाम ने बयान दिया है कि जल्द ही निगम मंडल बोर्ड में नियुक्ति होगी। प्रभारी पुनिया ने फाइनल सूची हाईकमान को सौंप दी है। हाईकमान की मुहर लगने के बाद सूची जारी होगी। संसदीय सचिवों के नाम पर चर्चा हुई है, जल्द ही सूची जारी होगी। शासकीय अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर ले रहा था वार्ड का राउंड, सूचना मिलते ही मचा हडकंप। राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय मेकाहरा में एक डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी डॉक्टर वार्ड का राउंड ले रहा था। इस बात की खबर लगते ही अंबेडकर अस्पताल में हडकंप मच गया है। बता दें कि सर्जरी वार्ड के डॉक्टर तन्मय अग्रवाल को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिया है। कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर ने महामारी अधिनियम का उल्लंघन किया है। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही उजागर की है। कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे ढेर, बॉडी में मिली 4 गोलियां। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे को ढेर कर दिया गया है। कानपुर लाते समय उसने पुलिस कर्मियों का हथियार छीन कर भागने की कोशिश की और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। कानपुर पुलिस की ओर से विकास दुबे के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे को 4 गोलियां लगी है। विकास दुबे एनकाउंटर नरोत्तम मिश्रा के सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने पूछा सवाल। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कल एक कुख्यात अपराधी के पकड़े जाने पर कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आज पुलिस मुठभेड़ में उसके मारे जाने पर मातम मना रही है। कांग्रेस देश की जनता को जवाब दे कि वे देश के साथ खड़ी है या कानून के खिलवाड़ करने वाले और देश विरोधी ताकतों के साथ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया है कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड 26,506 केस, 475 मरीजों की मौत। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 26,506 मामले सामने आए और इस वैश्विक महामारी से 475 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 7,93,802 हो गई है। इसमें 2,76,685 एक्टिव केस हैं। नेपाल में सभी भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर बैन। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। आपस में चैट कर सकेंगे फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के यूजर्स। आने वाले समय में फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के यूजर्स आपस में संवाद कर सकेंगे। फेसबुक ने इसके मर्जर की तैयारी शुरू कर दी है। फेसबुक अपने व्हाट्सएप मैसेंजर और इंस्टाग्राम के बीच में एक साझा कनेक्शन शुरू करने जा रहा है। फेसबुक ने पिछले साल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीद लिया था। इसके बाद मार्क जकरबर्ग ने बताया था कि उनके पास तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मर्ज करने का प्लान है।
अब कंपनी ने अपने मैसेंजर और व्हाट्सएप को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इसके बाद इंस्टाग्राम को भी जोड़ा जाएगा। इस फीचर के जुड़ते ही यूजर्स आसानी से मैसेंजर के जरिए व्हाट्सएप पर चैट कर सकेंगे। गाड़ी पलटी, एनकाउंटर हुआ और मारा गया गैंगस्टर। लोगों ने रोहित शेट्टी को याद करते हुए कहा, सिंघम की सीरीज की नई स्क्रिप्ट मिल गई। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार सुबह एसटीएफ के साथ हुए मुठभेड़ में मारा गया। इस घटना के बाद फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। यूजर्स ने तरह तरह के मीम शेयर करते हुए लिखा कि इस एनकाउंटर के बाद रोहित शेट्टी को सिंघम 3 के लिए स्क्रिप्ट मिल गई है। वहीं कुछ ने लिखा कि इस बार की स्क्रिप्ट रोहित शेट्टी ने ही लिखी है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।